नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सेन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट 6 देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसका पार्ट 7 देखेंगे। और आज हम लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं जिसमें कंसोनेंट्स हैं, वोवल्स हैं, डिफथोंग्स हैं, तो उनके उच्चारण के लिए क्या सिंबल लिखा जाता है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, उसका अध्ययन किए थे। आज हम लोग एक एक सिंबल के लिए एक एक वर्ड लिख के देखेंगे ताकि आप यूज टू हो जाएं। उसके बाद हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी से कोई वर्ड चुन के दिखाएंगे कि कैसे आप उसका उच्चारण समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने पहले से लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, लिखने में समय जाया ना हो। जो मेन मेन कॉन्सोनेंट्स हैं, ऐसे तो मैंने बताया था ना कि क में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। आपका जैसे ट है, जैसे और सब ड है, वो नॉर्मल है। जो जो थोड़ा सा सिंबल में मतलब ट्विस्टिंग है या यूं कहें कि थोड़ा सा अलग है, उसको मैंने लिख दिया है कॉन्सोनेंट में। जैसे अंगा साउंड, या अंगा नहीं है, थोड़ा सा मिलता उलता है। मैं वर्ड्स में कहा था दिखाने के लिए, आज दिखाऊंगा। ये च साउंड है, ये ज साउंड है, ये था वो वाला था, स स वो वाला जो एयर बाहर आती है, था नहीं, लेकिन हम लोग था ही पढ़े हैं। ये है द, द नहीं, द द, ऐसे एयर हवा बाहर आ रही है। और ये यह है तलाबिशा, और ये जो हल्का ज टाइप का साउंड देता है ना, जैसे टेलीविजन, विजन, उसमें स्टेशन, ऐसे साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ये तलाबिशा के अंदर डॉट रहता है। तो यहाँ तक हम देख लिए। बबल्स में, बबल्स में हम लोग ए का तीन साउंड देखे थे, ये वाला साउंड, ये वाला साउंड, ये वाला साउंड, कहाँ कौन सा साउंड यूज होता है, एक एक वर्ड देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आ में देखे थे, ये सब हम साउंड देख चुके हैं। डिफथोंग्स में हम लोग आई, ओई, सॉरी ये ओई तो नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी ये गलत हो गया था, आज मैंने गलत लिख दिया था। ये हर्ष यही होता है, छोटी ही होती है, बड़ी नहीं होता है, है ना। ऑय जैसे बॉय, टॉय, तो बॉय नहीं, बॉय, तो ये आधा मतलब छोटी ही है, हर्ष ही। तो इसको हम लोग एक एक वर्ड करके एक एक सिंबल्स को देख रहे हैं ताकि आसानी से हम लोग कर पाए। चलिए, ये सब लिखा रहा, छोड़ देते हैं, ये इसको मिटाते हैं और यहां से हम लिख के दिखा रहे हैं एक एक वर्ड। जैसे ये क साउंड के लिए, क साउंड के लिए एक वर्ड है फ्लैक। आप जानते हैं क साउंड के लिए क्या देते हैं, ये छोटा का, और ये है फ्लैक, है ना। देखिए इसके लिए किस तरह का सिंबल लिखा गया है। अब देखिए, ये सिंबल लिखा गया है क्या पढ़ेंगे, देखिए ये तो फ है, आप देख रहे हैं फ, तो ये है। अब ये आधा है क्योंकि इसमें बीच में कोई स्वर नहीं है, वोवल नहीं है, तो आधा फ लिखेंगे। आप जानते हैं कि ल साउंड के लिए ये लिखा जाता है, तो ल साउंड, और ये ए की मात्रा के लिए, यहां से देखिए ए की मात्रा के लिए ये सिंबल है, और यहां यही सिंबल है, तो इसमें ए की मात्रा लगा दीजिए। और ये के है मतलब क है, क्योंकि बाद में स्वर नहीं है तो ये हलंत है, फ्लैक। देखिए इसको पढ़ेंगे फ्लैक, ठीक ना। आगे देखिए, ये ग की है,
के लिए कौन सा लगाते हैं? ये ऊपर जीरो टाइप का, यहाँ से एक छोटा सा ये निकल आता है, ये यहाँ से ऐसे आता है और ये ऐसे हो जाता है, तो ये ग के लिए रहता है। और एक शब्द है रिग, देखिए इसका उच्चारण क्या लिखा गया है। देखिए ये तो र के लिए, और ये जो साउंड है ये ई को दिखाता है। आप देख लीजिए ई कहाँ है, देखिए ई, ई को दिखाता है, तो ये छोटी ई है तो इसमें आप ये ले लीजिए। और ये ग को दिखाता है तो ग, क्योंकि पूरा नहीं है तो हलन डाल देंगे तो हो गया दिख। आगे देखिए, मान लीजिए ये अंग वाला जो साउंड बोल रहे थे उसको देख लीजिए, इसके लिए साउंड क्या है, एन जैसा है और ये लाइन थोड़ा नीचे तक है। जैसे एक वर्ड है रिंग, देखिए इसके लिए सिंबल है ये आर, ये छोटी वाला, और ये है देखिए री, ये अंग है रिंग, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस तरीके से है। अब देखिए च, च के लिए क्या होता है, टी और ये वाला साउंड, ये वाला सिंबल। एक वर्ड है जैसे रिच, इसके लिए सिंबल क्या लिखा गया, देखिए ये देखिए ये र साउंड, ये छोटी ये दोनों मिला के चा तो हो गया रिच। देख रहे हैं, अब मान लीजिए ये ज के लिए, इसके लिए क्या था, ये डी था और ये छोटा जेड। वर्ड है प्लेज, देखिए सिंबल लिखा गया है देखिए ए साउंड, ये ए साउंड हल्का ये है हलन था इसमें, तो देखिए ये आधा प, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है कोई बबल नहीं है, तो प ये ल है और इसमें एक ही मात्रा, और ये कुल दोनों मिला क्या है ज है, प्लीज तो हो गया। देखिए ये ये वाला जिसमें नीचे बिंदु रहता है, ये वाला है ये वाला यू, तो ये वाला ज, इसके लिए साउंड क्या था, नॉर्मल जेड था। देखिए इसमें है फाइलिंग, देखिए इसके लिए जो सिंबल लिखा गया है वो देखिए,
क्या पढ़ेंगे, देखिए ये फ है, ये देखिए आई, ये ए है और ये आई, ये वाला तो हो गया फाइल, ठीक ना, फाइल ल है और उसमें ई छोटी ई की मात्रा है तो ली, आइए अंगा वाला है, आइए ज है वाला, तो क्या पढ़ेंगे फाइल इंच फाइल इंच फाइल इंच इस तरीके से। जैसे ट के लिए क्या होता है, सिंपली टी होता है, से फिट, देखिए ये सिंबल है एफ, ये छोटी ई वाला और ये टी वाला, देखिए ये छोटी इंफा में जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा फिट फिट ना, क्योंकि यही फा होता है इंग्लिश कंसोनेंट में, वो फा तो पफा वाला हिंदी वाला होता नहीं है, ये फिट हो गया। अब उसके बाद द देखिए, द के लिए सिंपल डी होता है, जैसे एक वर्ड दिया है रेड, यहां बस वही आर एस ए, ए के लिए ये साउंड होता है आर डी रेड, इस तरीके से देखिए उच्चार, ये सिंबल जो उच्चारण का है उससे हम ये लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ये थ के लिए, ये थ जो बताए थे जिसमें एयर बाहर आता है ना, ये थीटा, जैसे एक वर्ड है फिल्थ, देखिए ये एफ साउंड, उसके बाद ये छोटी ये एल आई थीटा, तो देखिए ये फॉर में छोटी ई तो फी हो गया, आई आधा है तो कोई भी इसमें स्वर नहीं है, आई ये वाला साउंड आता है तो इसको पढ़ेंगे फिल्ड फिल्ड ऐसे। फिर साथ में द देख लीजिए, वही वो वाला द है, ऐसा द वाला नहीं, ज ज, ये जो हवा बाहर निकल रही है, तो जैसे इसके लिए साउंड ये सिंबल ये होता है, वर्ड है बेद, देखिए बा के लिए सिंपली बी, ए के लिए, अब देखिए इसका जो लिखा गया है उच्चारण, अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये ए पूरा है थोड़ा लंबा इससे, तो बेद बेद नहीं है, बेद ये वाला है, देखिए बेद बेद, तो ये बेद होता तो ये होता हल्का सा, ये पूरा है तो ई और छोटी ये आई वाला छोटी वाला, तो ये ए की मात्रा और छोटी वाला, तो ये पूरा थोड़ा लंबा तक जाएगा, ए बेद 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 नहीं बेद, तो ये हो गया बेद। वही वाला साउंड है ना, अब ना साउंड देख लीजिए, उससे सिंपली एन लिखते हैं, यहां वर्ड दिया गया है फिन, कुछ नहीं, एफ के लिए ये सिंबल,
और छोटी का सिंबल दिया गया है एन के लिए, तो ये छोटी मिलेगा तो फी हो जाएगा आई एन ना आर, है ना, फी ना के बाद प देख लीजिए, प के लिए सिंपली पी साउंड, वर्ड है कैट। देखिए क के लिए क्या साउंड होता है, के साउंड, देखिए, और यहाँ से देखिए आए, ये देखिए ये प्रिंटिंग का ए, इसमें ई वाला ये हो गया, अब पी के लिए प, ओके, यही समझ दिया गया है। इसको क में आई की मात्रा है तो कै, अपा, क्योंकि हाफ है कै, हलत वाला है ना, कै। इसलिए मैंने बोला था कि एक एक वर्ड करके दिखा देंगे। इसके बाद सवाल देखिए, सिंपल होता है के लिए क्या होता है, एफ, जैसे लाइफ, देखिए आई हो रहा है ना, ये एल साउंड, आई के लिए क्या होता है, ये देखिए ये वही लिखा गया है, देखिए ये ल है, और देखिए ये आई डिफ्थोंग्स, तो ल में आई जुड़ेगा तो लाई, आई एफ है लाइफ। फिर इसी के साथ बात देख लीजिए, बा के लिए सिंपली पी, वर्ड है रब, तो देखिए ये आर, और एक ये अ वाला है, ये वो देखिए अ वाला एक साउंड था ना यहाँ, रब, ये हो गया देखिए रब, रब उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं आ रहा है, अ का शुरुआती दौर में ये साउंड नहीं होगा, बीच में जो रहता है ना, तो इस तरह का रब, कब, उस तरीके से रब। तो ये अ की मात्रा है, बताया था ना कि कैपिटल ए में बीच से ना किया जाए तो ये अ की मात्रा दिखाता है, तो ये है अ, ये थोड़ा सा और सट के जाएगा, ऐसे बनेगा। उसके बाद म है, तो म के लिए भी सिंपली एम है, म के लिए एम, वर्ड है फ्रेम, सिंबल है देखिए ये ए पूरा है, तो देखिए ये वाला है, इसे फ, इससे ए, आई एम अ फ्रेम, तो इस सिंबल से हम लिख लिए फ्रेम। फिर म के बाद यह है, यह के लिए हम लोग जे साउंड लगाते हैं ना, मैंने लिखा है ना, देखिए जे साउंड, तो अब एक वर्ड है ग्रेन्युलर, तो इसका उच्चारण देखिए,
अब इसको आप ग्रेन्यूलर मत पढ़िए, देखिए उच्चारण देखिए, ये देखिए ये वाला इसके लिए होता है, ध्यान दीजिए आय के लिए, तो ये ग ग्रह, तो इसको ऐसे काट देते हैं ग्रह, देखिए ये न है पूरा नहीं है तो आधा, आइए से य होता है तो ये देखिए ये य है और ये अ का साउंड है, देखिए अ, तो ये पूरा अ हो गया, ये तो ये नहीं होता तो क्या होता हलंत होता ये वाला, तो ये इससे पूरा आ य का साउंड हो गया, और इससे ला, चूंकि ये भी आ है तो पूरा ला हो गया, और ये ब्रैकेट वाला रा होता है, तो इसका साउंड हो जाएगा ग्रेनेला, ग्रेनेला। इस तरीके से इसको देख के हम ये तय करेंगे। देखिए रा सिंपली इसका सिंबल ये होता है, जैसे रन, देखिए ये रा का एक ये अ वाला होता है, हमने देखा था ना, अभी देखे थे रब देखे थे, तो वो रन फन उस तरीके से, न के लिए एन सिंपली ये हो गया रन। उसके बाद ये वाला हलंत वाला आधा जो होता है, जैसे फॉर ये वाला सिंबल होता है, ब्रैकेट में र वाला, अब ये फॉर वर्ड है, देखिए ये एफ और ये वाला सी और ये भी सर और ये वाला सर, देखिए अब देखिए ये ओ उल्टा सी और ये कॉलन, तो ये फ है, ये अ तो फॉर्म में अ की मात्रा लगा दीजिए, और ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सॉरी ये है क्या, तो ये है ला सिंपल, ला के लिए एल, ये सीधा खड़ा पाई लगाते हैं, शब्द है फाइल, देखिए एफ आई, ये देखिए ये ए और ये ऐसे आला हो गया फाइल, आई तो ये आई फॉर्म में आई जो रहेंगे तो फाई आई ल है, क्योंकि उसके बाद वॉवल नहीं है तो हलंत वाला होगा फाई। अब हम लोग व साउंड देखेंगे, व साउंड जिसमें डब्ल्यू होता है, और ये देखिए वन, देखिए डब्ल्यू आई अ आई ल हो जाएगा वन। इसको वन मत पढ़िए, वन मत पढ़िए, वन सीधा वन, देखिए व डब्ल्यू वाला व इसमें कहीं सट नहीं रहा है,
वी वर्ब में क्या होता है, व व यहाँ व, तो ये व न में हलंत है वन, इस तरीके से उच्चारण हम इस सिंबल देख के समझ जाएंगे। ये सब वर्ड्स करा लेने के बाद देखिएगा डिक्शनरी का कोई भी वर्ड कैसे होता है। इसके बाद ये व वाला व, ये वी वाला होता है वी वाला वर्ड है वेव, देखिए ये सिंबल दिया गया है। अब देखिए ये तो वह है डब्ल्यू वाला, आप देख सकते हैं यहाँ था नहीं है तो समझिए हम देख यहाँ देख चुके हैं इसके पीछे, तो वह आगे देखिए ई और ये वाला आई वाला ए के लिए देखिए, तो इसमें ए की मात्रा लग गया आ, ये है वह ये वाला, तो वेव 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 ऐसे। इसके बाद तलाबिशा की मात देखिए, इसके लिए साउंड क्या था फिश, ये एफ वाला, इसके बाद सिंपल है ये, और ये तलाबिशा के लिए ये साउंड है देखिए, ये छोटी ई है तो फी, उसके बाद ये तलाबिशा है फिश हलंत है, ये ज टाइप का जो आता है इसको देख लीजिए इसका क्या है, ये जेड जिसे वेजन, अब देखिए देखिए इसका उच्चारण क्या होगा, ये व वाला बोला है ये व, आइए आ छोटी है तो ये हो गया, आइए जेड बना हुआ है तो ये वाला है ये वाला ये न है विजन 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 ऐसे है। दंसा इसके लिए सिंपली एस, जैसे वर्ड है फस, बस एफ ये अ वाला हल्का वाला आई देखिए ये फ पूरा हो गया आई से फस ये हलंत है ना, इसके बाद कोई बॉबल नहीं आया है, और आता तो फिर वो पूरा होता फस। ह वाला देख लीजिए सिंपली एच उसके लिए जैसे है हंक, तो बस सिंपल ये उच्चारण दिया है ये 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 और ये देखिए ये पूरा ह हो जाएगा। अयंग वाला है आइए क है भारत में अंक हो गया, तो ये सब कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। अब आ जाइए वोवल साउंड में,
वोवल साउंड में सबसे पहले ये अ, ये वाला जैसे है कट, तो ये के ये अलिटा, देखिए ये पूरा क हो गया, अलिटा हो गया कट। उसके बाद अ है ये वाला, ये वाला इसमें है बर्ड, देखिए देखिए ये जो है ना ऐसा आ पूरा बर्ड बर्ड उस तरीके से। बर्ड बर्ड उस तरीके का जहां आर टाइप का उच्चारण आ रहा हो, बर्ड तो पढ़ते नहीं है वो र छुप जाता है, बर्ड उस तरीके से। और का तीसरा उच्चारण है उल्टा ई, इसमें देखिए अबाउट, देखिए देखिए शुरुआती शुरू में इस तरह का अ का उच्चारण आता है, तो ये अ हो गया, ये ब है। अब देखिए ये वाला साउंड किसके लिए होता है, डिफथोंग्स में आइए, देखिए ये वाला है आऊ, तो बाऊ बाऊ आइए था अबाउट हो गया। अब है आ का साउंड, आ साउंड में क्या करना है, ए जैसा रहेगा आ उस पर कॉलन साइन रहेगा, ठीक ना। जैसे ये है फा, ये एफ, ये हो जाएगा ये हा आइए आधा फा हो गया। छोटी का दो साउंड है, एक छोटी का ये वाला साउंड है, इसमें जैसे हैप्पी, तो देखिए ये ह, ये ए की मात्रा यहां से है, देख लीजिए है तो हम एक मात्रा है आई प आई छोटी हैप्पी हो गया हैप्पी। आगे ई का और जो साउंड है वो है ये पूरा मतलब इस टाइप का, जैसे फिग, तो ये हो गया एफ आई
ठीक, बड़ी ई के लिए देखिए हैप्पी और फिग में क्या है, हैप्पी में वो बहुत हल्का पी आ रहा है, हैप्पी हैप्पी, लेकिन फिग में ज्यादा आ रहा है, फिग फिग, तो उस तरीके से हल्का के लिए ये वाला आई, और थोड़ा ज्यादा वो लंबा खींचना हो ये वाला, जबकि बड़ी ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी के लिए साउंड होता है, पढ़ते हैं आगे। बड़ी इसमें आई और कल, जैसे यहाँ है सी, सी के लिए, स के लिए एस, और ये हो गया, इसको पढ़ेंगे, बड़ी है तो सी हो गया। उसके बाद छोटा ऊ का दो साउंड है, एक साउंड देख लीजिए छोटा ऊ, तो छोटा ऊ का एक यू टाइप का साउंड आता है, इसमें वर्ड है एक्चुअल, उच्चारण देखिएगा, देखिएगा ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आय की मात्रा है, देख लीजिए आय, ये आधा क, आय च है, ये च साउंड देता है, टी और ये वाला सिंबल, तो च, आये उ है तो इसमें छोटा उ, ये अ का साउंड है तो अ, ये ल का साउंड है तो ल, इसमें हल, तो इसका हो जाएगा औषधि उच्चारण एक्चुअल एक्चुअल। बड़ा वो देखिए, एक और वो है, इसके लिए ये वाला साउंड यूज होता है, देखिए कुट, ये प, ये उ, देखिए पुट पुट और एक्चुअल, थोड़ा सा ये हल्का है, वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, बड़ा उ जैसा नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा लंबा, बड़ा उ देखिए, बड़ा उ में वही है, ये यू साउंड और ये कॉलन, चू क्या होगा, इसको पढ़ेंगे ट, और उसमें बड़ा टू टू, ऐसे अभी हल्का ए देखिए, हल्का ए, जैसे इसके लिए होता है ये ई साउंड, टेन क्या करेंगे, बस सेम ऐसे लिखाई है, इसमें टी के लिए देखिए ई, हल्का ए के लिए आइए एन साउंड, वही टेन टेन, पूरा ए के लिए E और I, ये वाला, तो इससे होगा A, जैसे इसमें है फेड,
देखिए देखिए, ये टेन हल्का है, पेन टेन, लेकिन यहाँ देखिए फेड फेड, ये देखिए फेड। इसके बाद आ जाइए ओ का साउंड, नहीं आए का साउंड, आई के लिए प्रिंटिंग का ए और इसके साथ ई, इसमें वर्ड है कैट कैट फैट मैट कुछ भी। देखिए क के लिए ये के, आई के लिए ये प्रिंटिंग का ए और ये ई और टी, ये हो गया आए कै अट। उसके बाद ओ की मात्रा देख लीजिए साथ में, देखिए ओ के लिए हम लोग करते हैं उल्टा ई और ये ऊ वाला साउंड, ये वाला ओ जैसे गो, ये जा ग के लिए ये वाला और ओ के लिए ये वाला उल्टा ही, और ये पढ़ेंगे गो। उसके बाद ओ का दो साउंड है, एक ओ ले उल्टा ए, जैसे लॉट, तो आ, ओ नहीं आ, देखिए एल आइए ए का उल्टा आइए टा, ये हो गया ऐसे लॉट। ये वो और है आ, इसमें है सी उल्टा और कॉलन, उल्टा सी और कॉलन। इसमें है जैसे शा, ये एस और ये सी उल्टा और ये हो गया शा, ठीक ना। देखिए ये थोड़ा लंबा जाता है, ये हल्का लॉट पॉट है ना, यहाँ पर शा शा ऐसे। उसके बाद आ की मात्रा एक होता है, देखिएगा उसका उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, ये आ ऊपर चंद्रबिंदु आ आ। एक वर्ड है क्रवैसा, इसमें इसमें क्या होता है, इसका सिंबल उल्टा आ उस पर ऐसे बना देते हैं, तो ये आ दिखाता है, जैसे क्रवैसा। इसका उच्चारण देखिएगा कैसे लिखा गया है, अब देखिए ये क है,
इसमें पूरा ये नहीं है तो आधा करा लगा दिया, ये व वाला है, ये ए की मात्रा है, ये स है, इसमें आ है। देख लीजिए इसका उच्चारण क्रवैसा, इसका उच्चारण नहीं होगा है ना, इससे मत देखिए, इससे देखिए क्रवैसा। अब छह और है जो डिप्थांग्स हैं उनको देख लीजिए, जैसे आई इसमें है प्रिंटिंग का ए और ये ई वाला साउंड आई, जैसे फाइव देखिए ह के लिए ये वाला एफ, आई के लिए ये प्रिंटिंग वाला ए ये ना, और उसके बाद वी साउंड है तो क्या होगा, क्या होगा ये देख लीजिए, ये फ, इसमें आई है तो आई फाई, और ये व वाला ये है फाइव, उसके बाद ऑय। पिछला वीडियो में ये बड़ी हो गया था जो गलत था, ऑय ऑय के लिए उल्टा सी और आई, आई वाला आई और जैसे बॉय, देखिए बी और ये उल्टा सी और ई वाला साउंड, ठीक ना, तो हो गया बॉय। इसको पढ़ेंगे ऐसे बॉय बॉय बॉय, है आऊ आऊ के लिए पेंटिंग ए और वर्ल साउंड आओ, इसमें है सन्ना आऊ, क्या हो जाएगा ये एन के लिए ये आऊ के लिए ये प्रिंटिंग और आई, तो हो जाएगा ना आऊ, ना में आऊ तो ना ना। अब है ई, ई साउंड के लिए ये आई ई वाला उल्टा आ, उल्टा ई वाला ई, जैसे निया साउंड देखिए, ये क्या होता है, ये न में ई की छोटी की मात्रा है नी, ये निया है और ये ब्रैकेट में है तो क्या होता है रा, निया निया ना, निया, इसको आप निया भी पढ़ सकते हैं, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं निया। या के बाद ए और उ, ए या के लिए क्या है ये ई और उल्टा ई, ए ये है ए, इसमें है च, देखिए च, च के लिए क्या होता है ये टी और ये वाला साउंड, फिर ए, तो फिर वही ई और उल्टा ई,
है ब्रैकेट में आर है तो हो जाएगा 6। इसे चार इसमें ए आ तो 6 और आप ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको ब्रैकेट में रखते हैं 6। और लास्ट बचा डिफथोंग्स का वो है उ। तो उ के लिए ये वाला साउंड, अ के लिए उल्टा ई, उ। इसमें से प्योर, हम लोग प्योर पढ़ते हैं ना, इसका उच्चारण देखिए। अब देखिए उच्चारण क्या होना चाहिए। ये आधा प हुआ, चूंकि वॉवल नहीं है तो आधा प। आइए ज मतलब यह होगा, आइए उ है ना, प्यू, चूंकि बड़ा उ नहीं छोटा उ है, प्यू आप ये रख कर सकते हैं या फिर इसको ब्रैकेट में दे सकते हैं। तो प्योर नहीं, प्यू प्यू ऐसे हम लोग बिगड़े हुए हैं, प्योर प्योर पढ़ते रहते हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोग कॉन्सोनेंट से लेकर वॉवल्स और डिफथोंग्स से एक एक वर्ड देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग डिक्शनरी देख के कोई बीच का कहीं से वर्ड चुन के उसका देखेंगे कि कैसे उच्चारण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।